नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग रणनीति 2018 के एग्ज़ाम जो भी आप लोगों के आने वाले हैं तो उनको लेकर आज मैं बात करूंगा। और आप लोगों का RO ARO 2018 का एग्ज़ाम हो चुका है 8 अप्रैल 2018 का, और सभी आप लोगों ने दे लिया है। और मैंने कमेंट बॉक्स में देखा जाके आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग इतना अच्छा करके आए हैं। और देखिएगा आप लोगों में से बहुत से लोग सेलेक्ट होंगे, और PCS जो मेंस होने वाला है अब उसके बारे में जो आपका हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट ने कुछ बोल रखा है, तो डिसीजन पलट दिया गया है, उसका रिज़ल्ट दोबारा बनेगा और दोबारा उसका रिज़ल्ट आउट होगा। और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स 45 दिन मांगेंगे, उस पर कार्य होगा। तो ये सारी बातें PCS मेंस 2017 के उस पर चल रही हैं। और जो हम लोगों का समीक्षा अधिकारी का जो मेंस होगा वो अभी बाद में आएगा, उसको आप देखते रहिए। अब ये एक चीज़ है कि GS देखिए सब में कॉमन है, एक चीज़ तो सबसे बड़ी बात यह है, टेस्ट सीरीज़ आपको सब में देनी है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज़ LT ग्रेड का भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो देखिए LT ग्रेड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके GS के 30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे, और जो 30 क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन GS के होंगे। और वो अच्छी टाइप के अच्छे स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, और वो 30 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट की दोस्तों देखिए सब्जेक्ट की जो है तो LT ग्रेड में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उनके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा पाना भाई मेरे उसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा मुझे। और बट हाँ GS के लिए मैं 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ मैं आज शाम से ही स्टार्ट करूँगा दोस्तों, बहुत जल्द ही आज शाम से ही पहला टेस्ट मैं डालूँगा LT ग्रेड के लिए। और दूसरी चीज़, अब LT ग्रेड की बात हो गई, इसमें आएगा क्या क्या, आपका GS के क्वेश्चन आएंगे, करंट आएगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत आएगा, 30 क्वेश्चन में ही है तो 1 2 4 रख सकता है। और बाकी आप देखिए यूपी भी उसमें पूछा जाएगा, तो 1 2 क्वेश्चन यूपी के भी पूछ सकते हैं LT ग्रेड में। तो LT ग्रेड के लिए मैं आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज़ 30 क्वेश्चन की डेली प्रोवाइड करा दूंगा, एक सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, PCS प्री 2018, देखिए 17 का मेंस अभी होगा या नहीं होगा अब ये तो आयोग के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर है क्या डिसीजन लेते हैं वो लोग, लेकिन देखिए खाली समय और या उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 21 जून 2018 को आपका PCS अपर PCS PT लगा हुआ है, इतना ध्यान रखिए, उसकी डेट भी मेंशन कर दी है आयोग ने 21 जून को। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। अब देखिए GS में, अब देखिए 2018 का जो सिलेबस है मेंस का चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होंगे क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर PT होगा तो PT में तो नहीं चेंज होने वाला ना, तो PT की कम से कम 3 महीने बचे हुए हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है, और इस समय को वेस्ट न करते हुए आप लोग PCS की तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। जो लोग नए हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग पुराने हैं बहुत से लोग जानते भी होंगे, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 महीने हैं, 3 महीने में ही आपको करना है, जो पुराने हैं उनके लिए भी, जो नए हैं सभी के लिए है। तो 3 मंथ हैं, 3 महीने में ही 21 जून को पेपर है, उसी में आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से PCS प्री की बात कर लेते हैं 2018 में, तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से आएंगे, लेकिन GS का पेपर एक बनेगा, 100 क्वेश्चन करता है या 150 क्वेश्चन करता है, कितना करेगा क्या चेंज लाएगा ये अभी नहीं पता, ये नोटिफिकेशन के बाद आएगा, लेकिन GS की तैयारी तो हम कर सकते हैं ना, सिलेबस तो नहीं चेंज करने वाला PT का सिलेबस, की सिलेबस ही चेंज कर देगा, GS तो वही रहेगी ना, तो कम से कम GS की तैयारी आप लोग करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। और PCS मेंस 2017 की ये तो टल के कब जाएगा या टलेगा नहीं टलेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती। मैं दोस्तों जो भी आयोग की तरफ से आता है मैं वो इसी चीज़ को बोलता हूँ, मैं किसी इधर उधर की बातों को नहीं बोलता, जो लोग मुझसे बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा कुछ होने वाला, नहीं, जो आयोग की आधिकारिक सूचना होगी वही मेरे चैनल पर डालूंगा मैं। और दूसरी चीज़, समीक्षा अधिकारी के मेंस में भी आपको GS पढ़नी ही है,
इतना ध्यान रखिएगा, तीनों में सभी उसमें आपको जीएस कॉमन ही आ रही है। तो जीएस के लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, अपर पीसीएस की बात कर लेते हैं तो पीसीएस प्री 2018 का जो होने वाला है उसमें आपके जीएस पेपर के लिए देखिए 2017 का जो पीसीएस अपर पीसीएस का पीटी हुआ था उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे और उसने एक बानगी दे दी थी, एक सैंपल दे दिया था कि अब क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर आएंगे। तो कम से कम देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, डायरेक्ट लाइन टू लाइन वो छाप देते हैं आयोग वाले यूपीएससी के या अदर किसी स्टेट एग्ज़ाम के। तो सबसे पहली बात इसमें ये आप लोग घट्टा चक्र पढ़ते रहिए, सबसे बड़ी बात। मैं क्या यहाँ कराऊँगा, मैं आप लोगों को आईएएस के पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो लोग आईएएस देने जा रहे हैं उनके लिए क्या है, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर लमसम 10 साल के या 15 साल के जितना भी हो पाएगा, 3 जून को आईएएस का पेपर है तो उसके लिए मैं आपको 15 से 20 पेपर यूपीएससी के, यूपीएससी में जो आए हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। एक चीज़ ये हो गई, जो कि देखिए 2018 पीसीएस के लिए और 2018 आईएएस के लिए, आईएएस और पीसीएस, अब आप खुद सोच के देखिए कि जो लोग आईएएस देते हैं जाके वो लोग भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ते ही हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आईएएस के क्वेश्चन के लमसम 15 से 20 साल का एक चीज़ डाल दूंगा, वो क्वेश्चन वो पेपर पूरे के पूरे बिल्कुल सॉल्व किए हुए बढ़िया से अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए हम लोग देख लेंगे। और दूसरी चीज़ टेस्ट सीरीज़ भी जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो एक चीज़ ये हो गई, और उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। अब बात रही करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स दोस्तों मैं द हिंदू पीआईबी के 10-10 क्वेश्चन डालता था पहले, लेकिन बीच में ब्रेक कर दिया था आरओए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अब वो 10 क्वेश्चन डेली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वो आपके यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपका आईएएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आईएएस का, यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का, तो दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ही है। और दोनों एग्ज़ाम 1 जून है, जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है 2018 का वो हो रहा है 3 जून को, और यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2018 जो होगा वो 21 जून को होगा। तो जून में ही 3 और 21 ये दोनों डेट हैं, ठीक है। समीक्षा अधिकारी की जो डेट है वो लेट भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग केवल पीसीएस प्री को ध्यान रखते हुए सारे काम करेंगे। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू पीआईबी के मैंने बता ही दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और बस आप लोगों को बस एक काम करना है, बिल्कुल ईमानदारी से, किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस टाइम देखिए, यही 3-4 महीने हैं, इसी में रगड़ के मेहनत कर लीजिए और ठान लीजिए कि साले का इसी बार मुझे किसी भी हालत में 2018 में मुझे एक नौकरी लेनी चाहिए, लेनी है, इसी बार लेनी है और इसी एग्ज़ाम में लेनी है। और ठान के बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग, आप पता है आप में से ही कई लोग एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, बिल्कुल जैसी पढ़ाई अभी तक चल रही थी करते रहना है और लगातार करते रहना है। यहाँ पर यूपीएससी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, द हिंदू पीआईबी की टेस्ट सीरीज़ 10 क्वेश्चन की डेली विद एक्सप्लेनेशन, और दूसरी चीज़ आपका प्रीवियस ईयर के पेपर वो, और आपकी एलटी ग्रेड की 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ ये हो जाएगी। और हिंदी का पोर्शन जो आएगा दोस्तों, हिंदी जो भी सब में कॉमन होगी, मैं सब सारे के टॉपिकों को लिख लूँगा, और लिखने के बाद एक एक टॉपिक को जो भी एग्ज़ाम नज़दीक होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हिंदी प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस तरीके से मैनेज कर चलेंगे। और टेस्ट सीरीज़ की जैसे मान लिया 1 महीने बचे या 1.5 महीने बचे पीसीएस प्री 2018 के एग्ज़ाम से पहले मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, तो लमसम 20 से 30 टेस्ट सीरीज तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, आप लोग जितने लोगों ने दिया था टेस्ट सीरीज, क्या आपको नहीं लगता उससे कुछ भी फ़ायदा हुआ? आप लोगों को खुद दिल से पूछिए, आप लोगों को खुद पता होगा कि कितना फ़ायदा हुआ है उससे। क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम इसी तरीके से होता है, वो लेते ही लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, कहते हैं लोग कि वन लाइनर क्वेश्चन का ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी महत्व तो उतना ही है। आप फैक्ट भी बनाते हैं तो उसी वन लाइनर से ही तो बनाते हैं ना, जो लोग भी क्वेश्चन बनाते हैं उसी फैक्ट से ही बनाते हैं।
तो जब आपको फैक्ट ही रटे होंगे तो आप कहीं भी कुछ भी पूछ लीजिए, मैं बता ले जाऊंगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों बस एक कहने की बात यही थी, और बाकी आपकी हिंदी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली हम लोग, 2018 की रणनीति के बारे में बात कर रहे थे, क्या क्या इसमें करना है। और जीएस के लिए दोस्तों, एलटी ग्रेड के लिए जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि चैनल पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, और डेली देखना चालू कर दीजिए, वो बिल्कुल रट डालिए दोस्तों। और बाकी जितनी भी टेस्ट सीरीज़ पढ़ी हैं उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप एक बार करके तो देखिए, प्लीज़ आप लोग करिए। जो लोग भी एलटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन का स्तर ऊपर नीचे सब रहेगा, बाकी मैं खुद ही बोल रहा हूँ आईएएस के क्वेश्चन मिनिमम 15 से 20 साल के मैं करा दूंगा, 15 साल तो बिल्कुल 15 साल के पेपर तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड वालों को यूपी के बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, करंट अफेयर्स की मैं बैक टू बैक अब डेली पढ़नी ही है, द हिंदू पीआईबी के करंट अफेयर्स हो, बाकी ऐसे करंट अफेयर्स जो भी मंथली करंट अफेयर्स होगी वो मैं डालता रहूँगा, उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन बस ये है कि आप लोग बुक पढ़ते रहिए अच्छे से, बस केवल आप लोगों से बस एक चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग बुक पढ़ते रहिए, बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 10-10 दिन का बिल्कुल गैप देके एक सब्जेक्ट को 10 दिन में टारगेट बना के चलिए कि 10 दिन में हमें ख़त्म करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बार साइंस से आर ओ में ज़्यादा पूछे, तो जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका हो गया मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप लोग सीधे सीधे आप बुक पढ़िए 10-10 दिन में। जैसे साइंस है, साइंस को अच्छा है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस से पूछे ही जाते हैं, हिस्ट्री से पूछे ही जाते हैं, ज्योग्राफी से पूछे ही जाते हैं, तो ये 3-4 सब्जेक्ट है, इन्हीं में से आपका सही हो जाएगा। तो कम से कम इतना तो कम से कम मिनिमम कर लीजिए आप लोग, और बुक ज़रूर पढ़िए, बाकी टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस ईयर के पेपर सारी चीज़ें आप चैनल पे पढ़ी हुई हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग दोस्तों, देखिए जाके। जो लोग भी एलटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एलटी ग्रेड का जो लोग भी यूपीपीएससी आयोग से जो आया है वैकेंसी, तो उस एग्ज़ाम को जो लोग देने जा रहे हैं आप लोग देखिए जाके, चैनल पर बहुत सारी जीएस की चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप लोग बिल्कुल प्लीज़ देखिए जाके, मेरे ही चैनल से नहीं, आपको जहाँ से भी मिले आप देखिए बस, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखते रहिए। और जो लोग 18 देने जा रहे हैं, कम से कम आप लोग ये करिए कि आईएएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मिनिमम 15 साल के आपके बिल्कुल बढ़िया से देखे होने चाहिए, और बाकी मैं चैनल पर कराऊंगा ही आईएएस के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। और इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, जो पीसीएस के मेंस का जो पेपर हैं उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, तो उसको भी मैं प्रोवाइड करूंगा, मिनिमम 10 से 15 साल का तक का तो मैं पूरा प्रोवाइड करा ही दूंगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस तरीके से चलेंगी, और आज शाम से ही एलटी का मैं 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ जो है, 30 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ इसको व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा पहुंचा सके, और लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। और दोस्तों बस इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मुझे पता है आरओ 2018 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 8 अप्रैल वाला, बहुत अच्छा स्कोर किया है सभी लोगों ने किया है, और मुझे बहुत खुशी है। लेकिन जो आप स्पीड लेके चल रहे हैं दोस्तों, उसको आप ढीला मत होने दीजिएगा, बिल्कुल ढिलाई मत बरतिएगा, जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से आप चलते जाइए, मंजिल ज़रूर मिलेगी आप लोगों को दोस्तों, बिल्कुल मिलेगी, और आपकी एक सीट पक्की है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, बस आप थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, बुक पढ़ते रहिए, बाकी मैं चैनल पर इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोग देख नहीं पाएंगे, देखिए जितना ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं करवा दूंगा आप लोगों को, और उसी से सारी चीज़ें अच्छी होनी है। दोस्तों आप लोग खुद सोच के देखिए, जिन लोगों के क्वेश्चन गलत हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे केवल लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, जिनकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, कमी हुई है उनकी वजह से, प्रैक्टिस में अगर कमी करी है उन्होंने तो इस वजह से गलती हुई है। तो इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल खास ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़िए कम लेकिन प्रैक्टिस खूब करिए टेस्ट पेपर की।
ठीक है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए, कुछ लोग मुझसे असहमत होंगे, कुछ लोग सहमत भी होंगे, तो जिसको भी आइए अच्छा लगता है बिल्कुल अपनाइए, और जो जिसको भी अच्छा लगता है और जब रिज़ल्ट आता है तभी आप लोग को लगता है, दिल से लगता है कि हाँ चीज़ जो बताई गई है या बताई गई थी सही थी। मैं प्रूफ नहीं देता किसी को कि मेरी करंट अफेयर से यहाँ से वहाँ से कितने फंसे कहाँ से फंसे, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बोलेंगे तब मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपनी तरफ से कभी नहीं बोलूँगा कि मैंने जो कराया था यहाँ से ऐसा कुछ आया, इतने फंसे, ये हुआ, ऐसा हुआ, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं सुनेंगे मेरे मुँह से। बस आप जब बोलेंगे, देखिए सारी चीज़ें दोस्तों एक ही चीज़ से हैं, जब आप सफल होंगे तब मैं सफल होऊंगा, सीधी सी बात है। जब आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी, उस दिन ही मेरा चैनल बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग जितनी अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, और बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।